हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं समय लेखनम। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी यही बात करी थी समय लेखनम की, लेकिन उसमें हमने कुछ छोटे छोटे हमने ट्रिक सीखे थे, जैसे 15 मिनट वाला, 30 मिनट वाला और 45 मिनट वाला। ये तीन ट्रिक हमने सीखे थे। लेकिन सर, क्वेश्चन कई बार ऐसे भी आ जाते हैं जैसे 10 मिनट हो रहे हैं, यानी कि इतने बज के 10 मिनट हो रहे हैं, इतने बज के 20 मिनट हो रहे हैं, तो सर इसमें कैसे करेंगे? ये वाले क्वेश्चन में हम क्या ट्रिक लगाएंगे कि हमारा जो है मार्क्स हमको फुल मिल जाए? मेरे पास एक स्टूडेंट ने मेरे को बताया कमेंट करके, सर आपने ऐसा तो बताया नहीं, वो इसमें कैसे करेंगे? तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि उसको कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे भी ट्रिक बताई है आपके लिए। देखो टोटल ये जो है आपकी 10 ट्रिक है, ट्रिक बोल लो या फिर आप सिंपल एग्जांपल्स बोल लो, इसी के बेसिस पर आपको जो है बाकी सारे समय भी लिखने होंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दो। वहां वीडियो के नीचे आपको दिख रहा होगा एक रेड कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन, उस पर क्लिक करो। बस एक बार क्लिक करना है और आपका काम खत्म, ठीक है? बस आपने सब्सक्राइब कर दिया। अब चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। तो सर अगर एक मिनट ज्यादा हुए हैं, यानी कि मान लो 7 बज गए और 7 बज के 1 मिनट हो चुके हैं, यानी कि 7 बजने से 1 मिनट ज्यादा हो गए हैं, यानी कि 7 बजकर 1 मिनट, तो उसको क्या लिखेंगे? सर अगर 1 मिनट ज्यादा हो गए हैं तो एकाधिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एकाधिक। ये बना कैसे एकाधिक? तो ये देखो सिंपल सा तरीका है, एक प्लस अधिक क्या बन जाएगा सर? एकाधिक। ये ट्रिक है, समझे कि क्या करना है? मैंने क्या बोला? एक मिनट ज्यादा, तो वही लिखा मैंने एक अधिक। अधिक को क्या बोलते हैं? ज्यादा ही तो बोलते हैं, तो एक अधिक, एकाधिक, ठीक है? तो ये हो गया एकाधिक। अगर एक मिनट ज्यादा है तो, अगर 5 मिनट ज्यादा है तो पंचाधिक। संस्कृत में 5 को पंच बोलते हैं, तो पंच यानी कि पंच प्लस अधिक, ठीक है? यही करना है आपको, पंचाधिक, पंचाधिक, ठीक है? सेम ऐसे अगर 10 मिनट ज्यादा है तो 10 अधिक, दसाधिक। 15 मिनट ज्यादा है, इसका तो मैं आपको बता चुका हूं, सपाद बोलते हैं, इसमें कुछ नहीं है अधिक अधिक का सीन, इसका सिंपल एक वर्ड है सपाद, ठीक है? लेकिन अगर 16 मिनट ज्यादा है तो षोडश, 16 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? षोडश, ठीक है? तो षोडश और अधिक, षोडशाधिक, क्या बोलेंगे सर? षोडशाधिक, ठीक है? सर 20 मिनट ज्यादा है तो 20 को क्या बोलते हैं संस्कृत में? संस्कृत की काउंटिंग याद करो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि संस्कृत की काउंटिंग याद करोगे तो काउंटिंग समय लिख पाओगे अच्छे ढंग से। अगर याद नहीं है आपको या आपके पास बुक नहीं है कहां से करे काउंटिंग याद, तो कोई बात नहीं, गूगल बाबा जिंदाबाद, गूगल पे सर्च करो, आपको वहां पे दिख जाएगा काउंटिंग संस्कृत में भी। तो चलिए 20 को क्या बोलते हैं सर? सर 20 को बोलते हैं विंशति। क्या बोलते हैं सर? विंशति। और मैंने क्या बोला? 20 मिनट ज्यादा, यानी कि विंशति अधिक। तो इसको जब संधि करेंगे, याद करो मैंने आपको संधि में ट्रिक्स बताई हुई है कि हम क्या करते हैं एडिंग करते वक्त, तो इसके जब हम संधि कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? विंशत्याधिक। क्या बनेगा सर? विंशत्याधिक, ठीक है? तो ये हो गया हमारा क्या, 20 मिनट ज्यादा का मतलब विंशत्याधिक। अगर 25 मिनट ज्यादा है तो 25 यानी कि क्या बोलते हैं 25 को संस्कृत में? सर पंच विंशति। तो बस पंच विंशत्याधिक, सेम जो 20 मिनट ज्यादा का था वही लिख दो, पंच विंशत्याधिक, ठीक है? तो ये आ गया हमारा 25 मिनट ज्यादा हो रहे हैं तो। लेकिन अगर 40 मिनट ज्यादा हो गए हैं, यानी 7 बजकर या 8 बजकर 40 मिनट हो रहे हैं, तो उसको क्या लिखेंगे सर? अगर 40 मिनट ज्यादा है तो ये लिखेंगे चत्वारिंशत्याधिक। 40 को बोलते हैं चत्वारिंश और अधिक, चत्वारिंश प्लस अधिक मिलके हो जाएगा चत्वारिंशत्याधिक, ठीक है? तो यहां पर देखो 48 मिनट ज्यादा अगर हो रहे हैं, इस वाले केस में अधिक का यूज नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है वो आप ध्यान से सुनना। हम 45 को क्या लिखते हैं?
आपको याद होगा, आपने मेरी वीडियो देखी लास्ट वाली, तो हम 45 को लिखते हैं पादोन, पादोन लिखते हैं ना, उससे पहले हम सारे में क्या लिखते हैं, सपाद और सार्ध लिखते हैं, इसमें पादोन लिखते हैं। इसका मतलब है कि अभी इधर हम 15 को क्या बोलते हैं, सपाद, यानी कि 15 मिनट ज्यादा हो रहे तो सपाद भी बोल सकते हैं, तो वो 15 को क्या बोलते हैं, पाद बोला गया। ठीक है, तो ये जो है, ये जो वर्ड है ना, ये इसको 15 बोला गया है, ऐसे यहाँ पे जो पाद है इसका मतलब है 15, और ये तो ओन बच गया, यानी कि ऊन बोलेंगे इसको, अगर हम इसका संधि विग्रह करते हैं तो ये ऊन बन जाएगा। तो ये ऊन बच गया ना, इसका मतलब होता है संस्कृत के अंदर लेस, यानी कि कम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है पादोन का, 15 मिनट कम, इतने बजने हैं 15 मिनट कम। ये पढ़ते हैं ना कि भाई हम कई बार बोलते हैं कि 8 बजने में 15 मिनट कम है, तो क्या पढ़ते हैं संस्कृत में उसको, पादोन अष्टवादन, 8 बजने 15 मिनट कम। तो ऊन मतलब क्या हुआ सर, कम, और पाद मतलब 15। ठीक है, तो ऐसे ही अगर यहां पर 48 हो गया, यानी कि अगर कोई टाइम 45 को क्रॉस कर जाए, 40, 47, 48 पहुंच जाए, तो क्या करना है आपको, फिर इसी तरीके से भी काम चलाना होगा आपको, यानी कि अब यहाँ पे 48 मिनट ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि कुछ नया टाइम बजने वाला होगा, मान लो 7:48 हो रहे हैं, तो अब अगला क्या बजेगा सर, 8 बजेगा, 8 बजने में कितने मिनट कम रह गए सर, 12 मिनट कम रह गए, तो 12 को क्या बोलते हैं संस्कृत में सर, द्वादश बोलते हैं। तो द्वादश लिखो, और द्वादश लिखने के साथ ही उसमें क्या करना है, ऊन जोड़ देना है, ऊन जोड़ देंगे, संधि कर देनी है आपको, तो द्वादशोन क्या बन जाएगा, द्वादशोन। ठीक है, तो कोई भी टाइम बजने वाला होगा उसमें द्वादशोन जोड़ देंगे। फिर 56 मिनट ज्यादा, इसमें वही करना है आपको, मैंने बोला 45 को क्रॉस कर जाना चाहिए, यानी 45 को क्रॉस कर जाना चाहिए बस, वो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, देखना पड़ेगा कितने मिनट बचते हैं, उतने मिनट में ऊन जोड़ के लिख देने का। ठीक है, तो यहाँ पे 56 मिनट बीत चुके हैं, 4 मिनट बच गए, यानी कि 8 बजने में 4 मिनट बाकी है, उस 4 को क्या बोलते हैं सर, चतवार बोलते हैं, तो चतवार में ऊन जोड़ दो, क्या बन जाएगा सर, चतवारोन, क्या बन जाएगा, चतवारोन, कि इतने बजने में चतवारोन बाकी है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, देखिए सर मैंने यहाँ पे लिखा है 7:01, तो सर 7 को क्या बोलते हैं, सप्त बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जितने भी मिनट हो रहे हो वो जब मतलब जितने ही बज रहे हो उसको बाद में लिखते हैं, और जितने मिनट हो रहे हो उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, मैंने बताया था जब मैंने बोला था 7:15, तो मैंने बोला था सपाद सप्त वादनम, तो मैंने सप्त बाद में लिखा था, तो 7 बज रहे थे उसको बाद में लिखा था, और जितने मिनट हो रहे थे उसको पहले लिखा था। सेम इसमें वही करना है आपको, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मिनट ज्यादा हो चुका है, तो यानी कि 1 मिनट ज्यादा का मतलब एकाधिक। ठीक है, ये लिख दिया आपने, बस कहानी खत्म। और सप्त एकाधिक, 7 बज रहे ना, क्योंकि इसलिए एकाधिक सप्त, 7 से 1 ज्यादा वादनम यानी कि बज रहे हैं। ठीक है, एकाधिक सप्त वादनम, 7:05 हो रहे हैं, 5 को क्या बोलते हैं सर, पंचाधिक, यानी 5 मिनट ज्यादा, तो पंचाधिक, तो पंचाधिक लिखेंगे। और जितने बज रहे हैं सर, 7 बज रहे हैं अभी, तो पंचाधिक सप्तवादनम। फिर 7:10, तो इसको तो 10 अधिक बोलते हैं, 10 मिनट ज्यादा को, तो 10 अधिक, और 7 बज रहे, तो सप्त, 10 अधिक सप्तवादनम। यहां पर 16 मिनट ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, तो 16 मिनट ज्यादा हो रहे हैं, तो 16 क्या बोलते हैं सर, षोडश, षोडश अधिक। ठीक है, तो 7 है ना यहां पर, 16 अधिक सप्तवादनम। अब जरा मैं आपके लिए यहाँ पे एक वर्ड चेंज कर देता हूँ, ताकि आप लोग ये देख रहे थे अपने 7 के एग्जांपल लिए हुए हैं, तो यहां पर मैं चेंज कर देता हूँ इसको, इसको हम चेंज कर लेते हैं, और इसको भी चेंज कर लेते हैं। चलिए इसको हम 9 कर देते हैं, और सर इसको हम 5 कर लेते हैं। ठीक है,
इसको भी सब चेंज ही करते हैं, इसमें कौन सा ये कौन सा खास है, तो इसको चार बने थे, ठीक है। मैंने यहाँ पे सब कुछ चेंज कर दिया था कि आप लोग ये ना कि सर आपने सिर्फ सात के एग्जांपल लेके समझाया हमको और एग्जांपल लेके बताइए। तो देखो मैंने यहाँ पे 6-20 लिया है, 6-20 का मतलब है 20 को क्या बोलते हैं सर, विंग सत्याधिक, विंग सत्याधिक, और 6 को क्या बोलते हैं सत्य, विंग सत्याधिक सत्य वादनम, ठीक है। फिर है 4-25 हो रहे हैं, 4-25 बोले तो सर चतवार बोलते हैं, 4 को और 25 को क्या बोलते हैं सर पंच विन सत्याधिक, क्या बोलेंगे सर पंच विन सत्याधिक, पंच विन सत्याधिक चतवार, चतवार वादनम, ठीक है। फिर है 6:40 सर 40 को क्या बोलते हैं चतवारिन सत्याधिक, तो चतवारिन सत्याधिक, और कितने बज रहे हैं यहां पे सर 6 बज रहे हैं, तो चतवारिन सत्याधिक शत वादनम, ठीक है। फिर 9:48 सर 9:48 मतलब सर 9 को क्या बोलते हैं सर नव बोलते हैं, और 48 यानी 48 के लिए मैंने क्या बोला था आपको जितने बजने वाले हैं उसमें देखो कितने मिनट कम रह गए, वो 45 के ऊपर टाइम पहुंच गया है, तो देखो जितने बजने वाले हैं उसमें कितना मिनट कम रह गया है, ठीक है। तो कितना मिनट कम रह गया है 45 ऊपर ही पहुंचा हुआ है, 48 देखो 45 के बाद ही आता है, ऊपर पहुंच चुका है आगे 45 से, आप देखिए यानी कितने बजने वाले हैं सर 9 के बाद क्या बजेगा सर 10 बजेगा, तो यानी कि 10 बजने में कितने मिनट रह गए सर 12 यानी कि 12 मिनट रह गए, तो यहाँ पे क्या लिखना है सर द्वादश ओन, ठीक है द्वादश ओन, 12 मिनट बाकी रह गए, 12 मिनट कम है कितने बजने में द्वादश ओन 10 वादनम, ठीक है। फिर 5:56 हो रहे हैं यहाँ पे सर 5:56, इसका क्या मतलब है सर 5:56 का मतलब है 45 मिनट के ऊपर पहुंच चुका है, 5:56 के बाद ही आता है, तो 56 अगर 45 के बाद आता है तो उसका मतलब क्या हमको ये देखना पड़ेगा नया क्या बजने वाला है, 5 के बाद क्या बजेगा सर 6 बजेगा, तो 6 बजने में यहाँ पे कितने मिनट रह गए सर 4 मिनट रह गए, तो उसका मतलब क्या है चतवार लगेगा यहाँ पे चतवारून, क्या आएगा सर चतवारून, और चतवारून कितने बजने वाले सर 6 बजने वाले चतवारून शत वादनम, बस ये हो गया हमारा खत्म। ऐसे ही आपको करने हैं सारे क्वेश्चन, चाहे कैसा भी अध्याय, चाहे यहाँ पर 47 लिखा आ जाए, यहाँ यहाँ पर 42 लिखा आ जाए, या यहाँ पर 27 आ जाए, या यहाँ पर 18 आ जाए, या 11 आ जाए यहाँ पर, या 6 आ जाए लिखा हुआ, या यहाँ पर 2-3 कुछ भी लिखा आ जाए, आपको ऐसे ही करना है। बाकी आपको संस्कृति गिनती को ध्यान में रखना है और बस उसमें अधिक और ऊन लगाते जाना है, अगर 45 मिनट से कम कम का है तो उसमें अधिक लगाना है सब में, और अगर 45 मिनट क्रॉस कर गया है तो ऊन लगाना है, और देखना कितने मिनट बाकी रह गए अब नया टाइम बजने में, वो उसमें ऊन लगा देना है, समझ गए बात को, ठीक है। तो ऐसे करना है, आपको समय लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको ये समझ आ चुका है, ये जो मैंने ट्रिक बताया आपको, अगर आपको समझ आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी समय लिखने में, ठीक है। तो आप ट्राई करें, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, इन सबको ट्राई करें, मेरे को कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं कि सर मेरा आंसर ये आया है, तो मैं आपको जो है करेक्ट करके दूंगा, अगर आप लोगों ने कहीं कुछ गलती करी होगी तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दो भाई, ताकि आपको फ्यूचर में संस्कृत की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके आप लोगों के पास, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी गेट कर पाओ वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए और लेटेस्ट संस्कृत के ट्रिक के साथ, धन्यवाद।